जय हिंद डियर कैडेट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कल्सी क्लासेस। दिस अभिषेक द्विवेदी, योर जीएस फैकल्टी। आप सबका मेजर कल्सी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस करंट अफेयर्स की क्लास में वीकली करंट अफेयर के तौर पे इस हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उन सबको मैंने इस वीकली करंट अफेयर के अंतर्गत रखा है। और रही बात तो क्या क्या इस टॉपिक्स में हमने कंसिडरेबल पॉइंट्स को रखा है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और आपके आगामी एग्जाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज और क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। जैसा कि इमेजेस में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहां पे टुडेज टॉपिक के अंतर्गत जो डिस्कस करेंगे एमटीएस सिस्टम, ईपीसीजी, पॉइजन बिल। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी ट्रेंड में रहा है इस पूरे वीक, ट्विटर से रिलेटेड रहा, इंटीग्रेशन डे, आरडीएसओ, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, वर्ल्ड बैंक, इकोसाइट बिल, वर्डप्रेस इंडेक्स जिसमें इंडिया की क्या रैंकिंग रही है, वर्ल्ड वाइड इंडेक्स की बात करेंगे, टॉप कंट्रीज की बात करेंगे, फ्रीडम एक्सप्रेस की बात करेंगे, आईएनएस वाक्सीर की बात करूंगा, ये नेवी सबमरीन की मैं बात करूंगा, तो उसके बिहाफ आप पे फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमन प्रेसिडेंट की भी मैं बात करूंगा और कुछ एसेसेंस के बारे में डिस्क्राइब करूंगा जिनका काफी इस वीक में ट्रेंड रहा, एनालिसिस रहा और काफी चीजें उनसे रिलेटेड एग्जाम में आ सकती। तो आज के सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से अंतर्गत आप जानते हैं कि वीकली करंट अफेयर के अंतर्गत मैं आपके लिए क्या लेकर के आता हूं। वीकली करंट अफेयर के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आता हूं, राज्य दर्शन। राज्य दर्शन कहूं तो उचित नहीं होगा, हम करते हैं भारत दर्शन। और भारत दर्शन के अंतर्गत आज का जो राज्य है वो आपके स्क्रीन के सामने है। राज्य दर्शन के अंतर्गत जो राज्य आज लेकर के आया है वो हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात हो रही है तो सबसे पहला पॉइंट ये निकल करके आता है कि हिमाचल प्रदेश पहले क्या राज्य बना था या यूनियन टेरिटरी था। पहले हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, बाद में उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, अगर बात करी जाए वर्तमान समय में गवर्नर कौन है, लोकसभा राज्यसभा की सीटें कौन है और कौन सी हैं और कितनी हैं, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ सीट्स पूछा जाता है, कौन कौन सी हैं वो स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एनडीए सीडीएस एमएनएस की अगर एयरफोर्स की बात करता हूं तो सिर्फ इतना पूछता है कि इस राज्य में कितनी लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं, दैट्स इट। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितनी सीटें, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू नो, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हिमाचल सरकार का लोगो लगा हुआ, और उसके बाद अगर गठन की तिथि की बात करी जाए तो 25 जनवरी 1971, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इस राज्य का जो राज्य के रूप में गठन किया गया वो 25 जनवरी 1971 को। एरिया की बात करेंगे आप, डेंसिटी घनत्व की बात करेंगे तो आपके सामने है, उस पर मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं डीप में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करूंगा तो शिमला गर्मी के मौसम में राजधानी का शहर, धर्मशाला ठंडी के मौसम में राजधानी का शहर, ठीक है। और हिंदी, संस्कृत, महसू, पहाड़ी, मांडली, कांगड़ी इत्यादि जो राज्य की प्रमुख भाषा है, तो याद रखिएगा हिंदी, संस्कृत, महसू, पहाड़ी, मांडली, ठीक है। राज्य के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 12 जिले आते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला ना लाहौल और स्पीति, ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। और आपको बता दूं इनका प्रमुख जो पुष्प है वो गुलाबी बुरांस है, अगर यहां की बात करेंगे तो इसके जूस को पिया भी जाता है, ठीक है, गुलाबी बुरांस के जूस को। और बहुत सारी चीजें हैं आप यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात की अगर बात करेंगे तो जो जंगल और राष्ट्रीय पार्कों की बात करूंगा तो ग्रेट हिमालयन, रेणुका, पिन वैली नेशनल पार्क, चिल, कालाटोपे, खजियार, सिंबल बरा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। और पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे आप, इससे सटे हुए जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये इससे सटे हुए राज्य हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इस स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो इस स्टेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम जरूर देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर पॉइंट्स की बात करेंगे आप सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा मेरे पॉइंट्स को, मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भाई कैपिटल तो पता चल गई। कैपिटल के अलावा अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ, 1971 में राज्य के तौर पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल डेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल डेट, ठीक है। यहां पर लोकसभा की सीटें, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स, अगर लोकसभा की सीट्स की बात करी जाए तो यहां पे 4, कितनी है बेटा 4। और राज्यसभा की अगर सीट्स की मैं बात करता हूं तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है बेटा 3। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द फिगर आउट एंड इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू थिंग्स टू नो अबाउट।
हमको इन चीजों पर बेहतर तरीके से रिसर्च करना होगा और देखना होगा। अब आइए यहां पे आगे बात करता हूं। तो आगे की ओर अगर हम मूव ऑन करते हैं तो दीज आर द क्लासिकल व्यूज एंड द बेस्ट व्यूज ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिना गए हिमाचल प्रदेश का अगर लुफ्त लेना है तो आप यहां मेजर कल्सी परिवार के द्वारा जुड़ करके लुफ्त ले सकते हैं। ये देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं शिमला, मनाली, धर्मशाला, स्पीति घाटी और काफी कुछ है इंपॉर्टेंट। कुल्लू पर्यटन, रिवालसर झील, किन्नौर, कसौली की अगर बात करा जाए तो स्विट्जरलैंड जैसा आप इसको कह सकते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं व्यू है ये और पर्यटन की दृष्टि से काफी अद्भुत क्षेत्र है। अब आइए आगे की बात करता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आती है कि भाई हु इज द सीएम एंड गवर्नर। अगर उसके अंतर्गत बात करेंगे आप तो करंट चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के कौन, जयराम ठाकुर जी। और किसकी गवर्नमेंट है यहां पे, बीजेपी की। और श्री विश्वनाथ जी जो है वो क्या है, यहां के गवर्नर है। ये दोनों की इमेजेस आपके सामने स्क्रीन पे लगी हुई है, आप यहां पे देख सकते हो। क्लियर हो गई बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। तो राज्य दर्शन के अंतर्गत हम लाए थे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें, फॉर्मेशन की डेट, कब यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था 1956 में, इसे केंद्र शासित प्रदेश का भी दर्जा दिया गया था, बाद में इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। और ये थी आज के राज्य दर्शन या भारत भ्रमण का व्यू था और इंपॉर्टेंट था। अब यहां पे नेशनल पार्क्स की बात करता हूं, दीज आर द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां का जो इकोसिस्टम है बहुत जबरदस्त है और बुद्धिस्ट लोग भी यहां पे रहते हैं, अच्छा क्षेत्र है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आगे की ओर आपके सामने है नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली, और मतलब ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं, ठीक है। रेस्ट ऑफ भी नेशनल पार्क्स है। नेक्स्ट की बात करता हूं तो पहला प्रश्न आज का आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, और आप आज का आप कह सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, और देखें आप और इसके आंसर करें, उम्मीद करता हूं आप आंसर कर पाएंगे। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू द डेवलप द माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन एट बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो हम आपको बता दें यहां पे इस सिस्टम का प्रयोग महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि हमारे यहां सीजनल जो है लोग आ जा रहे हैं, या कि कंटिन्यूअसली किसी चीज की लैक ऑफ जो है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं बॉम्बे छोड़कर के महाराष्ट्र, इन सारी चीजों की ट्रैकिंग करने के लिए इन्होंने एक नया व्यवस्था डेवलप करी जिसको कहते हैं माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। और ये राज्य किस राज्य ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र। किसने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र। क्लियर हो गई बात, तो राइट आंसर यहां पे होगा आपका महाराष्ट्र। अब एक्सप्लेनेशन की बात अगर करता हूं तो आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा एक्सप्लेनेशन, और वही मैंने बताया ना कि MTS सिस्टम को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये था कि राज्य में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, फर्दर अगर बात करी जाए तो अपने रोजगार के लिए, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG स्कीम इज एसोसिएटेड विद द व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि भाई जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है EPCG, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप EPCG का, ये भी आ सकता है। तो किसके अंतर्गत इसे जारी किया गया है, तो यहां पे आप देख पाएंगे तो यहां पे जो ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी विल बी द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो इस स्कीम को जारी किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की योजना के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं में ढील दी है। इस योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात को निर्यात दायित्व के अधीन शुल्क मुक्त कराने की अनुमति है। अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने और व्यवसाय करने में आसानी को सुविधा के लिए छूट की घोषणा की गई है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं। पॉइजन बिल बेसिकली रिलेटेड टू द ट्विटर ने कुछ शेयर की अगर मैं बात करता हूं, रिलेटेड टू द शेयर है ट्विटर के, और एलन मस्क ने अपना कुछ इसमें शेयर इन्वेस्ट किया है ट्विटर में, तो उसके रिगार्डिंग है। तो अब बात करते हैं यहां पे
Poison Will, which was seen in the news, is associated with the which field? Acquisition of the company. Company के अधिग्रहण से संबंधित है और basically related है. आप समझ सकते हैं कि विलय और अधिग्रहण से संबंधित वित्त के क्षेत्र में सीमित अवधि के शेयरधारक अधिकार योजना को जहर की गोली के रूप में भी जाना जाता है. हाल ही में एलन मस्क की टेक ओवर बोली के जवाब में ट्विटर ने जहर की गोली को अपनाया है, जो मौजूदा शेयरधारकों को ट्रेडिंग मूल्य पर छूट पर किसी कंपनी में नए जारी किए गए शेयर खरीदने की अनुमति देता है. यह बदले में खरीद योजना को बेहद महंगा और जटिल बना देगा. दैट्स इट. यहां पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाने की बात रखी गई है. इंटीग्रेशन डे का मतलब एकीकरण दिवस के रूप में, और वैसे भी जानते हैं कि भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब का. किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब का. ठीक है, तो यहां पे एकीकरण दिवस के इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाने की बात करें. विच स्टेट हैज अनाउंस टू बी द सेलिब्रेट, विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, इफ यू टॉक अबाउट द सिद्धलिंग स्वामी एज इंटीग्रेशन डे, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा. कर्नाटका विल बी द राइट आंसर. तो यहां पे आप समझ सकते हैं. और ये स्टार्टअप की अगर मैं बात करता हूं, तो इसकी बात किसने रखी है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने. क्लियर हो गई बात. चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं. रिसर्च डिजाइंस एंड द स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO फंक्शंस अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर आप कहेंगे अंडर द इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे विल बी द. अब DRDO इसरो की बात हो रही, तो याद रखिएगा DRDO की स्थापना 1958 में की गई और इसरो की स्थापना 1969 में की गई ना. 1969 में DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसरो का है बेंगलुरु में. ठीक है, और DRDO के वर्तमान समय में चेयरपर्सन कौन है, जी सतीश रेड्डी, और इसरो के हैं एस सोमनाथ. ठीक है, चल यहां पे ये अगले क्वेश्चन की बात करता हूं. यहां पे जो अगला प्रश्न है मेरे साथ, सामिया सुहलू हसन हाल ही में किसकी पहली महिला राष्ट्रपति है, वो है तंजानिया. कौन सा देश है बेटा, तंजानिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो ये जो है वहां की तंजानिया की राष्ट्रपति हैं और महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है अभी हाल ही. चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं. तो आप समझ सकते हैं यहां के एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर बात करी जाए, तो सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं. यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है. वह वर्तमान में अफ्रीका सरकार में एकमात्र महिला प्रमुख है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और अभी रिसेंटली इन्होंने अमेरिका की उपराष्ट्रपति से कमला हैरिस से मुलाकात करी है, जो कि काफी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तौर पर उभर करके आई है, इसलिए इनका नाम थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है. एज पर द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द डेली एक्सपेंसेस लिमिट द बिलो विच अ पर्सन इज क्लासिफाइड टू बी द एक्सट्रीम पॉवर्टी, USD 1.90. USD 1.90 मतलब RS की बात करूं तो 142, 142 रुपया. तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पे कि 145 रुपए की बात करता हूं, तो संदर्भ में कहा जाता है कि भाई अत्यधिक गरीबी के को एक दिन में 1.9 अमेरिकी डॉलर मतलब 145 रुपए से कम पर रहने वाले लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल पे देखा जाता है. विच यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज ब्लॉक लेवल हेल्थ मेलास मोर देन 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ विल बी द राइट आंसर. इमेजेस से आप समझ गए होंगे, ये जो है आप क्वेश्चन से ही पकड़ सकते थे, ट्रैक कर सकते थे. चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं. तो यहां पे देखेंगे, विच कंट्री हैज ड्राफ्टेड द इकोसॉइड विल टू द पनिश द एक्ट एनवायरमेंट डैमेज, दैट्स विल बी द फ्रांस. फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की है पेरिस. चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. तो यहां पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. विच इज द फर्स्ट नोन स्पीसीज टू बी द कैपेबल टू बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इट्स ब्रेन साइज. भारतीय जो इंडियन जंपिंग एंट है ऐसा पाया गया है, और अभी रिसर्च में ये चीजें फाइंड आउट आई हैं. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल एंड द लॉन्ग लास्टिंग हाइजीनिक प्रोडक्ट नेम द ड्यूरेका सीरीज. IIT बेंगलुरु, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास एंड IIT वारंगल. तो राइट आंसर विल बी द हेयर IIT हैदराबाद. राइट आंसर विल बी द IIT हैदराबाद. ये यहां पे देख सकते हैं. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दैट इज द 142, सेम इन द प्रीवियस ईयर. दिस इज द सेम इन द प्रीवियस ईयर. हेयर इज द लिस्ट दैट कैन यू कैन कंक्लूड द डिफरेंसेस. 2020 में टॉप पे जो था कंट्री, और 2000 आप देख सकते हैं यहां पे
तो जो है आप कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो इस साल जो है 2021 में टॉप पे रहा है वो है नॉर्वे, और फिनलैंड सेकंड पे, थर्ड पे रहा है स्वीडन, ठीक है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा इंडिया, वी आर द सेम प्लेस पे रहें और चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे वर्तमान में 2021 में 179 रैंक रहा है नॉर्थ कोरिया का। तो दीज आर द लिस्ट वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, क्लियर है। तो अब आप समझते हैं वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें जाए तो यहाँ पे पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिसोर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि आरएसएफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2002 पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स आरएसएफ इंडिया इज रैंक 142 सेम एज द लास्ट ईयर अमंग द 180 कंट्रीज एंड द इंडेक्स इज टॉप्ड बाय द नॉर्वे दैट इज द बेस्ट नॉर्वे टॉप्ड इफ यू टॉक अबाउट फॉलोड बाय द फिनलैंड एंड द डेनमार्क इट मींस टॉप थ्री कंट्रीज आर Norway, Finland and Denmark. India is the regarded among the countries classified bad for the journalism and the termed as one of the most dangerous countries for the journalist trying to do their jobs properly. That's it will be the 142 rank of India. Worldwide, total number of countries participating bodies are 180. Now, next question. Which central bank released a top report stating that the India's demographic advantage to the overtake China's by 2035? US, China, UK, Russia. Next question. तो यहाँ पे China. China ने कहा है कि हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक People's Bank of China द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, इसमें कहा गया है कि 2035 तक भारत की जनसांख्यिकी लगभग चीन से आगे निकल जाएगी। That's will be next question. Blue Nature Alliance, which was making news recently, is associated with the which field? Ocean conservation, curbing GHG emission, avoiding single-use plastic, afforestation. What will be the right answer if you talk about the ocean conservation? That will be the right answer. Next question. Which company delivered the Scorpion class submarine INS Vagri to the Indian Navy? अब आपको बता दें, अभी हाल ही में रिसेंट में जो है मझगांव डॉक है, ये यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा मझगांव डॉक। और यहाँ पे शायद मझगांव डॉक ये जो है ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, रक्षा अनुसंधान जो है ये ऊपर होना चाहिए था। तो यहाँ पे हिंदी वाला मत देखिएगा, इंग्लिश वाले को देखिएगा, इंग्लिश वाले में मझगांव डॉक होगा आईएनएस वाक्सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो आईएनएस वाक्सी की है और आप देख सकते हैं यहां पे इमेजेस में इसको बनाया है, महाराष्ट्र में एक स्थान है वहां पे मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड है, तो उसी ने इसको डिजाइन किया है और बनाया है आईएनएस वाक्सी, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। इससे पहले की अगर आप बात करेंगे तो आईएनएस वेला का जलावतरण किया गया था और रिसेंट में किया गया है आईएनएस वाक्सीर का जलावतरण। रक्षा सचिव अजय कुमार ने प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वाक्सीर का शुभारंभ किया। इसका नाम हिंद महासागर के एक शिकारी रेत मछली के नाम पर रखा गया है। मझगांव डॉक ने पहले ही परियोजना के तहत भारतीय नौसेना को 4 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां दी हैं, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला। आईएनएस वेला का जलावतरण था वो नवंबर 2021 मतलब रिसेंट की घटना। पांचवी पनडुब्बी जो है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो वाक्सीर समुद्र में परीक्षण चल रहा है और इसे साल के अंत से पहले इसे चालू करने की तैयारी। वैश्विक विच सिटी इज द होस्ट फॉर द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट दैट्स विल बी द गांधीनगर एंड प्रेजेंटेड बाय द इनॉग्रेटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। दिस इज द इमेज। नाउ नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं, अगर बात करें फिनक्लुएशन इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द विच बैंक? You know about India started the payment bank system, Airtel payment, Fino payment bank, these are the payments bank, and also in this category India Post payment bank in the category of Finclusion, clear? Next, Prime Minister Narendra Modi has recently laid the foundation stone and inaugurated the various projects worth rupees at the function of, if we talk about rupees organized at Dahod in Gujarat, that's the value of 22,000 करोड़, मतलब 22,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बिल्टी इलेक्ट्रिक विल एस्टेब्लिश द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी इन द इंडिया इन द विच स्टेट दैट विल बी द तेलंगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है।
बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो बेल्टी इलेक्ट्रिक जिस देश की कंपनी है, बेल्टी इलेक्ट्रिक यूएस बेस्ड कैलिफोर्निया की कंपनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यहां पे थोड़ा सा इसको हिंदी वाले को क्रॉस कर दीजिएगा, इंग्लिश वाले को फोकस करें आप। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोटे डी अवर आइवरी कोस्ट? पैट्रिक एची विल बी द राइट आंसर, पैट्रिक एची, ठीक है। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ पैट्रिक एची। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन जो है मेजर कलसी परिवार के द्वारा जो लाया गया बहुत बेहतर लगा होगा, और अभिषेक सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लासेस लाई जा रही हैं 10:45 से 11:30 तक AM तक, वो बेहतर लग रही होगी। मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से मेजर कलसी परिवार के प्रति आप सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें, पॉजिटिव वाइब्स के साथ कमेंट्स के साथ शेयर करें और पूरा कमेंट बॉक्स भर डालें, मैं यही उम्मीद करता हूं। और क्या कुछ नया चाहिए आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।